हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट आकाश, और आज की वीडियो के इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अकाउंट अपना जो है वो अनलॉक कर सकते हो। और जिनका भी ये चीज़ आ रहा है ना, प्रूफ सबमिट करते ही मेल पे उनका आ जा रहा है कि आपका ब्लर है, ये है, वो है, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसके बारे में बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो अनलॉक होगा और किस तरीके से आपका लिंक आएगा, आपका प्रूफ एक्सेप्ट होगा। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरे एंड से देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बताऊंगा क्यों लंबी होगी, ठीक है? वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 मिनट निकालोगे अपने लिए तो आप 500-1000 रुपये देने से बच सकते हो, अकाउंट ओपन कराने आने से बच सकते हो। और जैसा प्रोसीजर मैं बताऊँगा सेम वैसे प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ दिखाऊँगा, एक एक स्टेप दिखाऊँगा, एक एक मैसेज दिखाऊँगा जिस सब्सक्राइबर का मैंने ओपन किया, ठीक है? तो 10 मिनट दे देना, देखना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना आगे, ठीक है? और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो भाई, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, और शेयर कर देना, ठीक है? अच्छी लगे तो वीडियो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो वीडियो आगे मत बढ़ाना कि भाई कहाँ से बताना शुरू कर दिया, पहले मेरी बात सुन लो, छोटी सी बात है। देखो, लॉक अकाउंट को ओपन करने के लिए ना सिर्फ दो चीज़ चाहिए होता है, सिर्फ दो चीज़। एक तो आपको पेशेंस, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, पहली चीज़ है ये। दूसरी चीज़ है ना कि आपको अपने अकाउंट से सबमिशन करना पड़ेगा, ठीक है? कोई फर्जी लिंक, कोई फर्जी मेल, कोई फर्जी हेल्प सेंटर पे जाके एडिशनल इन्फो पुट कर दो, सबमिट कर दो, उस सब से कुछ नहीं होने वाला, रत्ती भर भी कुछ नहीं होने वाला। जो होगा, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उसमें जो भी प्रोसेस करोगे वो होता है एक्चुअल में सबमिशन अपील, जिससे कि आपका फेसबुक सुनेगा और आपका रिस्पॉन्स देगा मेल पे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं कि कीवी ब्राउज़र में, तो पता नहीं किसका अकाउंट ओपन है यहाँ पे, जिनका कोड ऑप्शन आया था मैं ओपन ही कर रहा था एक बंदे का अकाउंट, तब तक का सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि टाइम हो गया। तो देखो मैं दिखाता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना उनका मैं दिखाता हूँ। देखो डेट दिखता हूँ यहाँ पे, देखो डेट विथ डेट दिखाऊँगा कितने टाइम में ओपन हुआ, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने 30 अक्टूबर को मैसेज किया था, ताकि भाई जो मैं जब अपील किया ना तो मेरा इस तरीके का इंटरफेस आया, आप देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ, ये इंटरफेस आप लोगों को भी आ रहा होगा, ठीक है? तो प्रूफ का ऑप्शन है, सबमिट करोगे तो तुरंत से अपील में ये आ जा रहा था, ठीक है, कि आपका रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बोला इन्होंने कि भाई 10-15 आईडी अपलोड कर चुका हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, और सब रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो मैंने भाई बातचीत हुई हमारी, कि मैंने बोला चलो ठीक है कर दूंगा, पेमेंट वगैरह की बात हुई, सारी चीज़ें बात हुई, उन्होंने पेमेंट वगैरह सब चीज़ कर दिया। मैंने बोला चलो ठीक है आईडी पासवर्ड दे दो अपना, ये पेमेंट वगैरह हो गया, आईडी पासवर्ड उन्होंने पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया अपने आधार कार्ड के साथ, देख सकते हो आधार कार्ड इनका एकदम ओरिजिनल है, आकाश मिश्रा नेम से, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना आधार कार्ड जो है ना फुल आधार कार्ड है इनका, ठीक है? फुल समझ रहे हो ना, वो फुल प्रिंट आउट, लेकिन हमें इतने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जो ये मेन चीज़ है ना जिसपे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल और नीचे में आधार नंबर लिखा होता है, वो चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इन्होंने दिया, तो मैं बोला चलो ठीक है प्रूफ का ऑप्शन आ रहा है आपका, सबमिट करता हूँ मैं, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनका सबमिशन कर दिया, ठीक है? यहाँ पे देखो मैंने प्रूफ मांगा, दूसरी बार मैंने प्रूफ मांगा, भाई बोला मैंने कि वो प्रूफ काम नहीं करेगा, तो आपको देखो इसी तरीके से प्रूफ अपलोड करनी है, सॉरी इसी तरीके से प्रूफ क्लिक करनी है, देख लो यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से, वो जो कट होता है ना जो मेन चीज़, उसको हाथ में से रखना है, और हाथ में रख के एकदम क्लियर फोटो लेनी है, कोई भी पुराना फोटो, पड़ा हुआ फोटो होगा उसको नहीं लेना है, ठीक? इतना समझ में आ गया। और पैन कार्ड वगैरह जरूरत नहीं है, इन्होंने सब दे दिया था, ठीक है? तो मैंने बोला कि ठीक है वेट करो अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो इनका मैंने सबमिट किया, देखो थोड़ी सी बात वक्त फेस्टिवल वगैरह आ गया था बीच में, छठ पूजा जो होता है ना बिहार का सबसे मेन 1 नवंबर, ठीक है? तो वो आया, उसके बाद मैंने बोला भाई यही है ना, उसके बाद 1 नवंबर को मैंने इनका सबमिशन किया था, देख लो यहाँ पे डेट, मैंने लॉगिन करके पूछा था भाई यही है ना, तो बोला हाँ, तो उनके बाद मैंने सबमिट यहाँ पे कर दिया, इनका अपील जो है कर दिया मैंने अच्छे तरीके से, ठीक है? तो अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुमने प्रूफ नहीं दिया अपील के बाद, तो मैं उनको फिर से बताना चाहता हूँ, देखो मैं कोई प्रूफ नहीं देता हूँ कि अपील किया मैंने, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने, हाँ अगर यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को पूरे देख लेना आप, क्योंकि अब जो है ना मेन चीज़ स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे अपील कर दिया, अपील करने के बाद इनका जो है ना ऑप्शन चेंज हुआ, नंबर पे आया, ठीक है? यहाँ पे देखो नीचे आते हूँ मैं, यहाँ पे 1 वीक हो गया, मतलब 1 नवंबर ही चल रहा है ये, तो चलो डेट 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 ये देखो यहाँ पे 7 नवंबर, 7 दिन हो गए, 6 दिन अप्रॉक्स मान लो, 6 दिन में यहाँ पे देखो आ गया नंबर का ऑप्शन, ठीक है? नंबर पे कोड का ऑप्शन आ गया, इन्होंने बोला कि भाई कोड पे नहीं है, मेरा कोड नहीं है, नंबर नहीं है, ठीक है? तो मैंने बोला भाई वीपीएन से करना होगा, तो मैंने अपना प्रोसीजर बताया कि भाई चलो वीपीएन से करूंगा, वीपीएन का चार्ज मैं लेता हूँ 800 या 500 300, मतलब बंदों के हिसाब से लेता हूँ मैं, अपने से
अपने पॉकेट से लगाता हूँ आधा से ज़्यादा पैसे, 500 अपने से लगाऊंगा, 300 लूँगा, 4 लगाऊंगा तो 4 ले लूँगा सामने से, ठीक है। चलो आगे चलो देखते हैं। तो यहाँ से मैंने बोला VPN ओपन सब चीज़ दिखाया, भाई बोला चलो यार ठीक है मत दो तुम, तुम्हारा मैं ऐसे ही कर लेता हूँ लास्ट सबमिशन में, देखो यहाँ पे बोला लास्ट सबमिशन करूँगा, ऐसे ही कर देता हूँ आपका, कोई चार्ज नहीं लूँगा मैं, अपने से सारा पैसा लगा के कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी का पेमेंट जो है बाद में दे देना आप आराम से, ठीक है। तो मैंने इनका दोबारा सबमिशन किया, क्योंकि एक सबमिशन में करता हूँ तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, तो चार्ज लेता हूँ उसका, एक सबमिशन का ही चार्ज लेता हूँ मैं, लेकिन दो सबमिशन किया मैंने, तीन भी करता हूँ किसी किसी का, फ्री में करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को है ना कि मेरे को आईडी ओपन करनी है भाई, तुम आए हो मेरे पास, पेमेंट दे दिया आपने तो तुम्हारी आईडी ओपन होके जाएगी, इतना मेरा रहता है, क्योंकि मैं हमेशा सबमिट करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, सब चीज़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाग गया ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं करता। तो इन्होंने फिर से सारा डिटेल दिया, आधार कार्ड का देखो वो देखा पिक, वो पिक देखा होगा अभी आपने, वो पिक और ये पिक अलग है, तो मैंने बोला भाई फिर से फ्रेश क्लिक करके दो, क्योंकि नया नया प्रूफ क्लिक करोगे जब तभी एक्सेप्ट होगा, ओल्ड करोगे नहीं होगा। तो इन्होंने फिर से क्लिक करके दिया, आईडी पासवर्ड दिया, मैंने बोला भाई यही है ना देख लो, तो बोला हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने इस बार दूसरी बार सबमिट कर दिया इनका पूरा, ये डेट कौन सा डेट था मैं देख रहा हूँ 10 नवंबर, यहाँ पे देख सकते हो 10 नवंबर को मैंने इनका दोबारा सबमिशन किया। उसके बाद क्या हुआ, प्रूफ का ऑप्शन चेंज हुआ, अब देखो कब वेडनेसडे आ गया ना, 10 नवंबर के बाद वेडनेसडे आया, ये वेडनेसडे, ठीक है। इन्होंने पूछा भाई कब आएगा आईडी, मैंने बोला कोई फिक्स टाइम नहीं है, 2-3 बार अपील कर दिया है आपका, ठीक है, हर 7 दिन पे, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, हर 7 दिन पे अलग फ़ोन से अलग ब्राउज़र से लॉगिन करना है आपको, ठीक है। आपने प्रूफ सबमिट किया, आपका रिजेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, छोड़ देना अकाउंट को 5 से 7 दिन तक, दूसरे फ़ोन में दूसरे ब्राउज़र से ओपन करना है, या उसी फ़ोन में ओपन कर रहे हो तो अगर आपने ओपेरा मिनी से सबमिशन किया था, प्रूफ अपलोड किया था, तो कीवी ब्राउज़र से ओपन कर लेना, कीवी ब्राउज़र से किया था क्रोम ओपन कर लेना, दूसरे फ़ोन में ओपन करना, क्योंकि सेम आईपी एड्रेस रखोगे तो कभी कभी अकाउंट जो है वो लॉक ही दिखाता है, आईपी एड्रेस चेंज करोगे वहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं, ये आपने बहुत लोग से सुना होगा, और जैसे ही अकाउंट ओपन होता है ना इसी तरीके से अकाउंट ओपन होता है ज़्यादातर, कि आप दूसरे आईपी दूसरा फ़ोन में लॉगिन करोगे दूसरे पैरों से तो उसको दूसरा आईपी एड्रेस मिलेगा, वहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है, ऐसा होता है, और यहाँ पे हुआ है देखो अलग ब्राउज़र से, तो उसने बोला किस ब्राउज़र से, मैंने बोला भाई कीवी या ओपेरा, कोई ब्राउज़र से कर सकते हो। यहाँ पे देखो थर्सडे को, वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट डे ही थर्सडे को इसने लॉगिन किया दूसरे फ़ोन से, देखो मैंने ओपेरा मिनी में जाके एक बार फिर से नया मेल खोल के अपील किया, आईडी ऑप्शन आ गया, आईडी खुल गया, ठीक है। तो मैंने बोला खुल गया आईडी, आपका ऑप्शन चेंज हुआ पूछा, तो यहाँ पे देखो इन्होंने प्रूफ भेजा कि हाँ भाई देखो आकाश मिश्रा करके था, आईडी मेरा ओपन हो गया है, तो प्रोफाइल लॉगिन करके बोला मैंने, तो देखो प्रोफाइल ओपन करके इन्होंने दे दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन बोला कि भाई नंबर का ऑप्शन आ रहा था, फिर प्रूफ का आया, फिर आपने न्यू ब्राउज़र से ओपन किया तो लिंक आया, लिंक पे क्लिक किया तो हो गया, ठीक है। प्रूफ रिजेक्ट हो आपको हार नहीं माननी है, आपको हर 48 घंटे पे प्रूफ अपलोड करना है, आईडी ओपन करो हर 48 आवर्स पे अपलोड करो, आज जैसे कि आज अपलोड कर दिया आपने रात के 10 बजे और प्रूफ अपलोड करो 12 बजे 1 बजे ऐसे करके रात में 10 से 11 बजे अपलोड करो, आज 10 से 11 बजे अपलोड किया आपने, आपको दो दिन तक कुछ आईडी वगैरह नहीं खोलनी है, दूसरे फ़ोन में दूसरे ब्राउज़र से खोलनी है, देखो प्रूफ का ऑप्शन आ रहा है फिर से वहाँ पे प्रूफ अपलोड कर दो, नया प्रूफ क्लिक करके अपलोड करना, 18+ होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है 18+, और कम से कम इतना करना ना कि आप लॉक्ड, आपके पास आधार कार्ड है, मान लो आपका आईडी है आकाश मिश्रा से, ठीक है, आपके पास प्रूफ है आकाश मान लो राहुल पांडे से, ठीक है प्रूफ आपके पास, आपको क्या करना है, आपको इसका चेंज करना है नेम, सिर्फ नेम चेंज करोगे ना उतना काफ़ी है, आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। नेम कैसे चेंज करना है, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा नेम का, उसको ओपन करना है, वहाँ पे नेम डालना है आधार कार्ड वाला जो भी नेम है आपका, और उस आधार कार्ड और जो आपके पास आधार कार्ड है जो न्यू क्लिक किया फ्रेश, उसको वहाँ पे अपलोड कर देना है, आपका नेम चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप प्रूफ अपलोड करो वहाँ पे, हर 48 आवर्स पे बाद प्रूफ अपलोड करो, प्रूफ अपलोड करने के बाद 48 आवर्स छोड़ दो, दूसरे फ़ोन के ब्राउज़र में ओपन करो, कोई भी ब्राउज़र हो, ठीक है, वहाँ पे भी अगर नहीं हुआ ऑप्शन चेंज फिर से वहाँ पे प्रूफ अपलोड करो, छोड़ दो, फिर दूसरे फ़ोन के दूसरे ब्राउज़र में ओपन करो, ऐसे करना है आपको। और मैक्सिमम देखो इनका 30 अक्टूबर को मैंने दिखाया था ना, 30 अक्टूबर को इनका अनलॉक था, मेरे से काम करने आया तो मतलब मेरे से कराने आया, इनसे नहीं हुआ तो मेरे पास आया, 1 नवंबर को ही आया मेरे पास, 1 नवंबर से लेके देख लो आज कितना डेट है, 19 है ना, 19 मतलब 18 मतलब कि 15 दो वीक में इनका अकाउंट जो अनलॉक हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था आपको कि भाई देख लो जो खेल है ना वो आपके ही आईडी के सबमिशन से है, आपकी आईडी ओपन करने के बाद अपील से है, और थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा वेट करने से ही है, कोई अकाउंट जो है ना वो 5 मिनट में ओपन हो जाती है, घंटे में ओपन हो जाती है, लेकिन भाई तू मेरी बात समझो एक चीज़,
कि हर आईडी अलग अलग होती है और हर आईडी का प्रॉब्लम जो है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है, और हर कोई का आधार कार्ड प्रूफ अलग अलग होता है और किस्मत तो अलग होती है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे का एक घंटे में ओपन हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा भी एक घंटे में ओपन होगा, तुम्हारा एक महीने में दो महीने में भी ओपन हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। और आई होप कि समझ गए होगे कि इस तरीके का इंटरफेस आए तो आपको किस तरीके से लॉगिंग करना है, किस तरीके से सबमिशन करना है। आधार कार्ड हमेशा न्यू होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। आधार कार्ड पे सिर्फ नेम अलग है ना, तो आप अपने लॉक अकाउंट का नेम चेंज कर लो और फिर कोई भी एक आधार कार्ड का क्लिक करो, अच्छा सा 18 प्लस फ्रेश क्लिक करो, जैसे हाथ में पड़ के जैसे ऐसे किया था, और वहाँ पर अपलोड करो, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी, और मैं जो देता हूँ ना वो एकदम रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, रियल चीज़ देता हूँ और आपको सामने दिखा के दूंगा। कोई भी फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ मैं, भले एक हफ्ते पे एक वीडियो आएगी, भले सब्सक्राइबर्स एक ही बढ़ेंगे, व्यू 100 ही आएगी, लेकिन मेरी वीडियो रियल आएगी एकदम, ठीक है। तो बस चैनल को सपोर्ट करो, इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपको लॉक्ड अकाउंट या फिर फेसबुक के जो भी मिल गया ना, अभी तो कुछ टॉपिक मिल नहीं रहा है मुझे, टॉपिक ढूंढ रहा हूँ मैं, मिलेगा लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।